Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Channel name is RC Classes. My dear students, previous lectures अब तक के हमारे अपलोड किए जा चुके हैं. स्टूडेंट्स ने उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लिया है. ठीक ठाक फीडबैक है स्टूडेंट्स का उन वीडियोज़ को लेकर. लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री का. न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है. बच्चे इस चैप्टर में थोड़ा सा पजल रहते हैं. नो डाउट ये चैप्टर छोटा ज़रूर है, बट इसमें ना टेक्निकलिटी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. तो ट्राई करेंगे अपनी इस वीडियो की हेल्प से कि वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके और इस चैप्टर में भी बाकी चैप्टर की तरह कॉन्फिडेंस आ जाए. राइट, तो इस चैप्टर का नेम है जी केमिकल काइनेटिक्स. इसके पार्ट वन की आज हम बात करें. फर्स्टली मैं आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, किस कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से श्योरिटी है, किस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से पढ़ना और किस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लाइटली ले सकते हो. डन, तो लिस्ट बनाते हैं कॉन्सेप्ट्स की. सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करते हैं जी रेट ऑफ द रिएक्शन. अब रेट ऑफ द रिएक्शन में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस. तो एवरेज पर हम खास फोकस करेंगे. फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट आया जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. फिर बात आती है इसके फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट केस रेट लॉ का है एंड लॉ ऑफ मास एक्शन. राइट, जो टॉपिक हमारा ओवरऑल सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, जिस पर हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा दिखाई देते हैं, उन पर मैं एन मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन में से रेट लॉ को हम पूरी तरह फोकस करेंगे. इसी के बाद बारी आएगी ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी की. इस पर हमें कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चन जो है दिखते हैं. और इसी तरह से डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस भी हमारा प्रीवियस ईयर रह चुका है. इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं. बात आई यूनिट कैलकुलेशन ऑफ रेट, यूनिट कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. फिर बारी आ रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, जैसे कि हर चैप्टर में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पूरी श्योरिटी वाला होता है, उसी तरह यहाँ पर भी केमिकल काइनेटिक के चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 100% श्योरिटी में है. जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की तो जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो आ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसमें 100% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था नर्न्स्ट इक्वेशन, जिसके बिना आज तक एग्जाम नहीं बना केस कैसा भी हो. उसी तरह केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल के बिना आज तक एग्जाम नहीं बने और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे. फिर हमने बात की इसके नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज कॉल्ड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. अब टेबुलर, टेबल बेस्ड और ग्राफ बेस्ड, ये भी अच्छा पॉइंट माना जाएगा, ध्यान देना. फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड और प्रेशर रिलेटेड दो बातें हैं. बच्चे ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन ओरिएंटेड फर्स्ट ऑर्डर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो प्रेशर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन जो है हमारे लेटेस्ट सैम्पल पेपर में भी और फ्यूचर एग्जाम्स में भी सबसे ज़्यादा दिखने के चांसेस हैं. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं. इनके चांसेस थोड़े ठीक ठाक है, 50-50 हम इसको बोल सकते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल की बात करूँ तो ये पूरी तरह से श्योरिटी वाला पार्ट है. इसके बाद बारी आई हाफ लाइफ पीरियड की. हाफ लाइफ के भी कई केसेज हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करते हुए कवर अप करेंगे. हाँ, इसके बाद कॉन्सेप्ट हुआ करता था अर्हिनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी. ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेंटली सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है. फ्यूचर में बच्चे इसको ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करें, इस चैप्टर की प्रेपरेशन होगी अपकमिंग CBSE के लिए. राइट, तो उसमें अर्हिनियस और कोलिजन थ्योरी आप लोगों को नहीं पढ़ना है. राइट, तो ये थे देखो जी कॉन्सेप्ट की सीरीज, जिसमें से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है. न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ से टाइप्स ऑफ द रेट ओरिएंटेड हमें क्वेश्चन दिखाई दे सकता है. रेट लॉ में से न्यूमेरिकल बनता है. फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल पूरी तरह से श्योरिटी वाला पार्ट है, वो भी प्रेशर केस हम पढ़ेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन भी प्रेशर भी, बट इस केस को क्लियर करेंगे, इसमें बच्चे थोड़ा पजल रहते हैं. हाफ लाइफ पीरियड के भी हमें न्यूमेरिकल दिख सकते हैं, लेकिन बेशक ये एक नंबर का है, छोटे क्वेश्चन हमें दिखते हैं हाफ लाइफ पीरियड पर बेस, बट पढ़ने तो है ना. तो ये थी जी सीरीज अभी तक के कॉन्सेप्ट्स की. अब एक एक करके इनको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी, अभी तक मान के चले चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं. राइट,
तो बच्चे इस लिस्ट को ज़रूर बना लेंगे, पढ़ते हो आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी, कौन सा कॉन्सेप्ट कितने कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी उसकी वेटेज है, इन सब पर हम ध्यान देंगे, राइट। चलिए तो पहले कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इस सबको पढ़ने से पहले ये जो हेडिंग है हमारे चैप्टर का उसको क्लियर कर देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, एंड काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? स्पीड, रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। दैट मीन्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एंड द स्पीड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनकी स्पीड इतनी वैरी करेगी? तो मेजर तीन वैरायटी हैं, स्लो रिएक्शन कुछ आवर्स में होने वाली, मॉडरेट रिएक्शन कुछ मिनट में होने वाली, और फास्ट रिएक्शन कुछ सेकंड्स में पूरी होने वाली, इमीडिएट जो प्रोडक्ट दे। तो बात समझ में आ रही है? स्लो, मॉडरेट एंड फास्ट, तो तीन वैरायटी की रिएक्शन है। यानी कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन के टाइमिंग की हम बात करें, यहाँ पर ओवरऑल फैक्टर जो है वो टाइमिंग से रिलेट होने वाला है। तो जब टाइमिंग की बात करते हैं तो कुछ रिएक्शन आवर्स में पूरी होती है, कुछ मिनट में और कुछ सेकंड में। एक बात अभी से बिल्कुल माइंड में स्टोर कर लो कि हमें टाइमिंग को चेंज नहीं करना। वो ज़माना गया कि जब आवर्स में गिवन है तो उसको हम सेकंड तक कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें कहीं कोई कन्वर्जन नहीं है। मिनट में बात चल रही है तो मिनट में ही प्रोसीड होगा, क्योंकि वो तुम्हारी मॉडरेट रिएक्शन हो सकती है। सेकंड्स में बात हो रही है मतलब इमीडिएट रिएक्शन चल रही है, यानी फास्ट रिएक्शन को हम फोकस करते हैं। चलिए जी, तो पहला पार्ट क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये एवरेज रेट होता क्या? मैंने बोला जी इसको प्रिपेयर करने के लिए आप लोग को शॉर्टकट याद रखना, ये क्या है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एवरेज वाले केस में हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, जबकि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, यहाँ साथ के साथ कंपेयर कर दूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। लाइक वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? डी ए अपॉन डी टी। ऊपर डेल्टा से डिनोट किया मैंने एवरेज रेट को, और इंस्टेंटेनियस को स्मॉल डी से। पहले तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, चेंज होना। क्या चेंज होगा? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है जी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, टाइम की रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम का बदलाव होगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बदलेगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार चेंज हो रही है, साथ के साथ साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। इस बात का क्या मतलब है? वो हम रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पर ए कोई रिएक्टेंट है जिससे बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो लगातार ए खर्च होगा तभी तो बी इंक्रीज होगा। मैंने बोला अगर ये मार्कर हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे खर्च हो रहा है तभी तो जाकर इसका प्रोडक्ट बन रहा है, जो राइटिंग है दैट इज प्रोडक्ट। तो लगातार इंक खर्च होगी तभी तो जाकर ये राइटिंग होगी, रिएक्टेंट खर्च होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो लगातार टाइम तो रुका ही नहीं कभी किसी के लिए, तो टाइम में क्या होगा? बदलाव होगा और लगातार कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। तो क्या ऐसे ही चेंज यहाँ भी है? बोला गया इसको भी तो रेट ही कह रहे हैं ना, इसमें भी तो कॉन्सेंट्रेशन का बदलाव टाइम के साथ साथ हो रहा है। ध्यान से सुनो, ऊपर डेल्टा है नीचे स्मॉल डी है। स्मॉल डी बोले तो स्मॉल चेंज, डेल्टा बोले तो लार्ज चेंज। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। यानी यहाँ तो टाइम भी मैक्सिमम चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी लगातार बदलती जा रही है। यहाँ स्मॉल डी टी क्यों लिखा है? स्मॉल डी टी का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब कुछ रिएक्शन जो है वो सेकंड से पूरी होती है, मैंने 5 सेकंड 10 सेकंड में इमीडिएट जो प्रोडक्ट देगा उसको इंस्टेंट बोलते हैं। जैसे इंस्टेंट मैगी 2 मिनट बनने वाली, वैसे बनी नहीं आज तक, तुम लोग से बनी क्या? मुझसे तो नहीं बनी भाई। तो इंस्टेंट मतलब फास्ट, जैसे इंस्टेंट पॉपकॉर्न, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इंस्टेंट होता है इमीडिएट, फास्ट यानी फिक्स टाइम इंटरवल, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो रिएक्शन पूरी हो उसे हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। तो रेट बोल रहा है, इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद इन चेंज इन टाइम। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? यहाँ मेंशन करेंगे चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद इन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो स्मॉल टाइम इंटरवल का यहाँ चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड डी टी। तो अभी तक की बात समझ में आई? पहले तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस जान लेते हैं। देखो इस तरीके से पढ़ने का एक बेनिफिट क्या है, हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो, राइट? तो क्विकली रिवीजन भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी, न्यूमेरिकल हम साथ साथ करेंगे। न्यूमेरिकल ही सबसे मेन मसला है, क्योंकि बात फिजिकल केमिस्ट्री की हो रही है तो बिना न्यूमेरिकल के तो कॉन्सेप्ट की बात हो भी नहीं सकती। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस समझ में आया?
एक लेक्चर को पूरा करने में हम एवरेज टाइम लगा रहे हैं कि हाँ अभी 5-6 दिन लग रहे हैं, वो तो एवरेज होगा, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, हमें चैप्टर को जल्दी प्रिपेयर करना है, लिमिटेड टाइम इंटरवल में करना, अभी इंस्टेंट प्रोसेस है, हम बहुत ही कम टाइम में इस चैप्टर की तैयारी करेंगे, वो टारगेट है इस तरह के लेक्चर का। डन है जी। तो इंस्टेंट फास्ट वाला, स्मॉल टाइम इंटरवल वाला, और एवरेज मतलब लार्ज चेंज वाला, जहां कॉन्सेंट्रेशन का बदलाव होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, कंटिन्यूसली होगा। डन। ये कहानी तो समझ में आ गई कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज का क्या फर्क है। अगली बात, फिर मैंने बोला यहां पर इसको हम हाईलाइट करते हैं इस तरीके से कि अगर ए कोई रिएक्टेंट है, मैंने बोला जिससे कुछ ना कुछ बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए अगर रिएक्टेंट है जो कि लगातार खर्च हो रहा है, ये रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। डन। लगातार रिएक्टेंट खर्च होता चले जाएगा, ओके जी, और इससे क्या बनेगा, सीधा सीधा प्रोडक्ट। तो टैंक है, टैंक में वाटर का लेवल कंटिन्यूसली डाउन जाएगा अगर हम इस टैप को ऑन कर देते हैं। ये टैप ऑन होते ही वाटर का फ्लो स्टार्ट हुआ, वाटर का फ्लो होते ही यहाँ पर बकेट में वाटर का लेवल डन हुआ, ओके जी। तो लगातार हमने देखा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है, राइट। टैंक और बकेट में साइमल्टेनियसली वाटर का चेंज आ रहा है, लेवल बदलता चला जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि टैंक तो खाली हो गया और बकेट भरी नहीं है ना, जादू थोड़ी हो रहा है, बात समझ में आ रही है। या फिर हो कि टैंक तो में लेवल वही है वाटर का, लेकिन बकेट भरती चली जा रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो बात को समझो, लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लगातार कॉन्सेंट्रेशन में साइमल्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ये इसमें भी चेंज और इसमें भी चेंज। तो रिएक्टेंट हो रहा है खर्च, नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इट शोज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डन। लगातार कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी इसलिए पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज होगी इसलिए नेगेटिव साइन। तो साइमल्टेनियस चलते चले जाएंगे। तो हमने इसको इंडिकेट कैसे किया, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, फिर हमने इंडिकेट कर दिया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए डेफिनेशन तो है ना, दोनों में हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट हो रहा है खर्च, रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव साइन, पी से प्रोडक्ट, पी से पॉजिटिव साइन, अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, उम्मीद है टैंक और बकेट वाला एग्जांपल हमेशा के लिए बच्चों को याद हो जाता है और बहुत ही सिंप्लीफाइड है, मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। अब मैं एक्चुअल रिएक्शन लूँगा, बच्चे डायरेक्टली रिएक्शन उठा रहे हैं तो समझ में नहीं आता। अब हमने छोटा सा लॉजिक सीख लिया, इस लॉजिक की हेल्प से रिएक्शन पर भी हम आसानी से एवरेज रेट को अप्लाई कर पाएंगे। डन है जी। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज है कॉन्सेंट्रेशन। अगली बात, मैंने बोला एक रिएक्शन पर क्यों ना इसको हम अप्लाई कर दें, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। डन। ये कोई रिएक्शन क्यों ना, N2+H2 मेकिंग अमोनिया। तो यहाँ हमने बोला रेट, इसके साथ लिखा गया क्या, एवरेज, ओके। तो मेंशन कर देंगे डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। डन। सभी के लिए हमने इंडिविजुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन को अप्लाई किया। बच्चे पूछते हैं सर प्लस का साइन है या इक्वल क्यों हो गया, ध्यान दो, मैंने बोला एवरेज रेट मतलब चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी साइमल्टेनियस चलेगा। तो रिएक्टेंट के लिए हमने अप्लाई किया N2 के लिए। डन। डेफिनेशन इंडिविजुअल कंपोनेंट पे अप्लाई की रिएक्टेंट के, और रिएक्टेंट है खर्च हो रहा है, नेगेटिव साइन डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन, ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन। डन है जी। एक्सप्रेस किया हमने डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इंडिविजुअली फॉर वन कंपोनेंट, डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इंडिविजुअली फॉर हाइड्रोजन, एंड डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, राइट। कॉफिशियंट की बात की, यहाँ कितना है 2, इसका मतलब आ जाएगा 1/2, ये कितना है 3, इसका मतलब 1/3, यहाँ क्या आएगा 1। तो कॉफिशियंट जो भी है हमने उसको अपॉन में लिख दिया, इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन ऑफ द एवरेज रेट। एवरेज रेट का ये क्या है, एक्सप्रेशन है। एक बात और, अब इसी के लगे हाथ हम एक और पॉइंट सीखेंगे, उसको बोलते हैं जी टाइप्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स क्या हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, जहां भी नेगेटिव साइन है इसको हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। वैसे डिसअपीयर का मीनिंग होता है गायब होना,
यहां क्या बोल रहे हैं, डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस मतलब डिक्रीज होना है लगातार। जब जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ क्या, अपीयरेंस। अपीयरेंस बोलो या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। तो जब जब डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइन, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, या फिर उसी को फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। योगी जी टाइप्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अब न्यूमेरिकल में एक तो एक्सप्रेशन यूज होगा, दूसरा ये वर्ड्स काम आएंगे डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस वाले, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को तभी हम कंप्लीट मानेंगे जब इसका न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे यूनिट्स बतानी है। क्या मैं इसको अभी क्लियर अप कर दूं? उम्मीद करें चीज़ें अब तक क्लियर हैं जी, राइट। अपना फीडबैक कमेंट ऑप्शन के थ्रू ज़रूर दे देना, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं अभी तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं क्विकली। देखो शॉर्टकट वे में चैप्टर तुम्हारा टच में आ रहा है, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक्निकल चैप्टर है। बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम इसकी रिवीजन कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों को जो फोबिया है फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर, वो फोबिया दूर हो सकता है अगर इन वीडियोस पे काम कर लो तो। देखो जी मैंने बोला इसी का एक न्यूमेरिकल उठाएंगे, बट उससे पहले मैंने बतानी है क्या यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ एवरेज रेट। हमने लिखा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्या मीनिंग समझा इसका, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का बदलाव। अल्टीमेटली ऊपर क्या है, ऊपर हमने क्या देखा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हम किसको बोलते हैं सॉल्यूशन जब चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब तो मोलैरिटी होता है, और अपॉन में क्या बोला गया चेंज इन टाइम। तो हमने बस इसी के रिस्पेक्ट में यूनिट्स पर फोकस करना है। तो जहां मैंने लिखा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है मतलब मोलैरिटी है, तो यूनिट आगे जी मोल पर लीटर, मोल और लीटर इनवर्स दैट इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी, और अपॉन में क्या है टाइम सेकेंड, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है जी यूनिट्स किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब बच्चे पूछते हैं सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट हो गया अगर वहां पर डेल्टा ना लिखकर स्मॉल डी लिख दें। अरे स्मॉल डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज। सबसे मेन बात क्या है तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जब जब ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नीचे टाइम है, इसका मतलब कन्फर्म है ऊपर मोल पर लीटर और नीचे टाइम की बात हो रही है, डन है। और बात साइन की है तो साइन का यूनिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस तो दोनों साइन क्या इंडिकेट करे, बताया मैंने डिक्रीज फॉर रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन इंक्रीज फॉर प्रोडक्ट, राइट। योगी जी यूनिट्स, अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो जी इस पर मैं किस सेंस में न्यूमेरिकल मिलता है, मैंने बोला इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई इज 4.2 इंटू 10^2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, नाउ कैलकुलेट या डिटरमिन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू वाइल रिएक्शन, इसमें हमें हमेशा गिवन होगी एच आई मेकिंग एच टू प्लस आई टू। अभी तक सब ठीक है जी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें वैल्यू गिवन है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू। सिर्फ एच टू की बात हो रही है, आई टू की बात नहीं हो रही है। लेकिन सबसे पहली बात तुम्हें ना एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा, ढंग से एक्सप्रेस करो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ लिखा डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी, फिर लिखा गया डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी, फिर लिखा गया डेल्टा आई टू अपॉन डेल्टा टी, राइट। जो कॉफिशेंट है दैट इज टू ओनली, तो क्या आएगा 1/2, यहाँ 1/1 है, ओके जी 1 और ए 1 पुट कर दिया। हमने देखा रिएक्टेंट के लिए 2 कॉफिशेंट में इसलिए 1/2, प्रोडक्ट के लिए 1/1। अभी के लिए मैंने एक्सप्रेस किया, 1 लिखो ना लिखो चलेगा, फिर भी पता होना चाहिए। रिएक्टेंट की जब भी बात करो तो साइन क्या बताया मैंने, नेगेटिव, बाकी के लिए पॉजिटिव। अब हमें दिया क्या हुआ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई। अब बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो खाली एच आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4.2 × 10^2 अपॉन में डेल्टा टी। ऐसा नहीं करना, हमें तो पूरे रेट की बात कही गई है ना, ये पूरा रेट है डेल्टा एच आई बाय डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड व्हाट कंप्लीट रेट हुज वैल्यू इज 4.2 × 10^2। समझ में आया, 1/2 और इस पूरे रेट की वैल्यू कितनी है 4.2 × 10^2। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू ये हमें कैलकुलेट करना है, बोले तो डेल्टा एच टू बाय
डेल्टा टी, हमने रेट कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी। इसमें इंडिविजुअल डेल्टा एच टू का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बात रेट की हो रही है, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन की हो रही है, तो उसके लिए कंप्लीट डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रेट। डन, हमने इसको यूं कैंसिल किया तो आ गया जी 2.1। अब बच्चे ना इस बात में भी पजल रहते हैं कि सर नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा। अभी अल्जेब्रिक मैथ्स नहीं कर रहे हो कि साइन साथ साथ चलेगा। साइन तो सिर्फ इंडिकेशन है कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। अगर नेगेटिव साइन है तो पक्का रिएक्टेंट होगा, लेकिन अभी H2 की बात हुई, प्रोडक्ट में देखो H2 क्या है, प्रोडक्ट है तुम्हारा, H2 प्रोडक्ट है, ओके। तो प्रोडक्ट को इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको तो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हो, नेगेटिव साइन को यहाँ हाईलाइट नहीं करेंगे। तो साइन कन्वेंशन सिर्फ किस लिए है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। ऐसा वन मार्क का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इट शोज द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। और पॉजिटिव साइन का सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो समझ जाना, इट शोज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी तक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया गया, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं बता दिया गया, यूनिट्स बताई गई हैं, और उसका न्यूमेरिकल अगर आता है उसकी दोनों टाइप्स को इन्वॉल्व करते हुए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फॉर्मेशन, तो क्या आंसर बनेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हमारा ये मेजर कॉन्सेप्ट पार्ट वन था, और उसी का सेकेंड पार्ट हमने टाइप्स का निपटा लिया। हाँ जी, उम्मीद करते हैं बात पूरी तरह क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। देखो जी, किसी भी रिएक्शन की स्पीड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर का जिक्र जब भी होता है तो ली चैडले प्रिंसिपल को हमें कभी नहीं भूलना, राइट। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की, सिर्फ तब। अब ये ली चैडले प्रिंसिपल क्या है, जब भी बात 11th के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होती है तो बच्चों को वहीं चक्कर आ जाता है। भाई ली चैडले प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मेंटेन है तो हम उसको इक्विलिब्रियम बरकरार रखेंगे। जिस भी तरफ बदलाव होगा, रिएक्टेंट में बदलाव हो या प्रोडक्ट में बदलाव हो, जिस तरफ चेंज होगा रिएक्शन उसका इन्वर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, ताकि उस जो चेंज है ना उसको वो अपोज कर सके। मेरी बात समझे, यानी मैंने बोला अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलती है, अगर पहले से हीट निकल रही है, सोल्यूशन गर्म है, चूने को पानी में डाला हीट निकली, वो ऑलरेडी सोल्यूशन वार्म है, ऐसी कंडीशन में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। टेम्परेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, बात समझे। तो फिलहाल हमने यहाँ की बात की है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो तो चलो इक्विलिब्रियम की बात होगी, बहुत रेयरली होगा कि तुम्हें इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी जाए, फिर भी पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज मेंटेन रहता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट पहले निकल रही है, सोल्यूशन गर्म है, ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाएं तो बैक मार देंगे, बैकवर्ड चल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक भी राइज करते हैं तो जो हमारा रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, डबल, राइट। ये हमारा क्वेश्चन भी है, इस तरह का छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है, इफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, हाउ द रेट अफेक्टेड, तो स्पीड पर क्या असर होगा। तो उसमें बोलेंगे वेन एवर देयर विल बी द चेंज और राइज इन द टेम्परेचर टिल 10 डिग्री सेल्सियस देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये सबसे कीमती पॉइंट है इसी का, राइट। अगली बात हम करते हैं जैसे नेचर की, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नो डाउट रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। हम एग्जांपल लेते हैं, किसका, लकड़ी का एग्जांपल लिया। एक तरफ तो लकड़ी का पाउडर है, लकड़ी का बुरादा, डन, पाउडर फॉर्म में है, और दूसरी ओर हैवी लॉग ऑफ वुड, जिसको हम मोटी लकड़ी तंदूर में डालने वाली लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब खुद सोचो किस में रिएक्शन फास्ट होगी। अगर जो पाउडर फॉर्म में हमने एक तिली फेंकी तो एकदम से ब्लास्ट, समझ रहे हो, काइंड ऑफ कि जिसमें एकदम से फ्लेम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो तंदूर में हमने लकड़ी डालनी है क्या वो इतनी जल्दी से आग पकड़ेगा, नहीं ना। तो पार्टिकल साइज यहाँ मैटर करेगा कि नहीं। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें दो तरह की बातें हैं कि अगर हम गैस की बात करते हैं, गैसेस कंपोनेंट जल्दी रिएक्ट करेगा कि लिक्विड कंपोनेंट जल्दी रिएक्ट करेगा, या फिर सॉलिड। खुद सोचो, दो बातें होंगी, एक तो नेचर यानी फिजिकल स्टेट की बात होगी, गैस इमीडिएट रिएक्ट करेगी, फिर लिक्विड की बात आई, फिर सॉलिड की बात आई, डन है। फ्यूल से तुम इसको लिंक कर सकते हो, गैसेस फ्यूल है, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं क्विकली, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बोली, पार्टिकल साइज डाली कि जितने भी स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल साइज पार्टिकल्स वो रिएक्ट फास्टर करेंगे एज कंपेयर टू द बिगर साइज पार्टिकल्स, डन है।
अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। हाँ जी, उम्मीद है ये कहानी समझ में आ रही है। कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में हेल्प करता है। अब ज़रूर थोड़े कि हर बारी कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, कभी कभी जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को, स्पीड को कम भी तो करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर हम बात कैटलिस्ट की करेंगे तो बोलेंगे जी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, विच कैन चेंज नॉट ऑलवेज इंक्रीजेज। अगर इंक्रीज करेगा तो कैटलिस्ट है, डिक्रीज करेगा तो पॉइजन बोलना शुरू कर देंगे। इंक्रीज करे तो कैटलिस्ट, बोले तो प्रमोटर, जैसे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, प्रमोटर जो प्रमोट करे, जो हेल्प करे रिएक्शन के स्पीड अप करने में हेल्पफुल हो, एक ऑल्टरनेटिव पाथ देता है, ये रिएक्शन को बूस्ट कर रहा है। कैसे बूस्ट कर रहा है? इजी पाथ देकर, जिससे एनर्जी कम से कम खर्च करनी पड़े। तो कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में हेल्प करे। जैसे टीचर एक कैटलिस्ट है जो स्टूडेंट नाम के रिएक्टेंट को हेल्प कर रहा है उनकी रिएक्शन, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट, उसमें हेल्प कौन कर रहा है? टीचर एक कैटलिस्ट जो एडिशनल एफर्ट कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्पफुल है। डन है, बात समझे? लेकिन अगर हम प्रेफर ही कब करेंगे, हम कैटलिस्ट को प्रेफर तब करेंगे जब जब हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करना हो। तो बात समझ रहे हो? बाय प्रेफरिंग कैटलिस्ट, हम ऐसे ही कैटलिस्ट को प्रेफर करेंगे, राइट? बाय प्रेफरिंग कैटलिस्ट वी कैन एनहेंस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम की रिएक्शन हो फिर कोई असर नहीं होगा, फिर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। अब ध्यान दो ना, बात केमिकल रिएक्शन की हो रही है। अब तुम्हें कहा तो नहीं गया ना स्पेशली कि इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो इन सबके लिए फैक्टर थोड़े अलग अलग होते चले जाते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर की बात तो सिर्फ गैसेस कंपोनेंट पर ही होगी ना, सॉलिड या लिक्विड में तो प्रेशर कभी इंक्लूड ही नहीं होता। प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, सुना सुना वर्ड लगता है। जब जब वेपर्स आपस में कोलाइड करेंगे और कंटेनर से टकराएंगे तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो प्रेशर मतलब इट्स अ वेपर प्रेशर, क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल। व्हेन एवर कोलिजन इज देयर बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल बिटवीन देम एज वेल एज विद द कंटेनर, दैट मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दोज गैसियस कंपोनेंट। तो प्रेशर की जब भी बात है मतलब गैसियस कंपोनेंट ही इंक्लूड होंगे। तो प्रेशर बढ़ाना मतलब गैस के कंपोनेंट का कोलिजन फास्ट करना। गैस के कंपोनेंट जितनी जल्दी टकराएंगे उतनी रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तो सॉलिड या लिक्विड में कभी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ गैसेस कंपोनेंट में ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई जी? तो ये फैक्टर थे तुम्हारे। ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो दो ही तरीके से क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं, या तो टेम्परेचर ओरिएंटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है, या फिर हमारे क्वेश्चन पार्टिकल साइज से लिंक हो जाते हैं। डन। अच्छा, पार्टिकल साइज में किसके पार्टिकल्स की बात हो रही है? सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे मैंने वुड का एग्जांपल दिया, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं भूलना कि वुड के अगर पाउडर फॉर्म है तो रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन सॉलिड फॉर्म है तो रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फिलहाल हमने स्टडी कर लिया किस किस को। अब तक हमने देख लिया जी एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, यूनिट्स क्या होती हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और उस एक्सप्रेशन का यूज़ करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। फिर अगली बात आई फैक्टर की। फैक्टर में तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर या रीजनिंग क्वेश्चन ही बनता है, दैट्स इट। अब आ रहे जरा मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेट लॉ। रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, इनका डिफरेंस भी ओवरऑल एक छोटा सा प्रेफरेबल क्वेश्चन बनता है, मालूम होना चाहिए। रेट लॉ एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मैंने बोला जी अल्फा ए प्लस बीटा बी मेकिंग एनी प्रोडक्ट, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी मेकिंग एनी प्रोडक्ट। अब सबसे मेजर डिफरेंस क्या है इसमें? एक तरफ तो अल्फा बीटा लिखा कॉफिशियंट को, एक तरफ स्मॉल ए स्मॉल बी को लिखा, तो बच्चे आधे तो इसी में पजल हो जाते हैं कि सर सेम सेम तो लगता है यार, कभी ए बी लिख रहे हैं कभी अल्फा बीटा लिख रहे हैं, फर्क क्या है इसमें? और दोनों में हम ये बात करते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन द ए की पार अल्फा बी की पार बीटा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए रेज टू पावर स्मॉल ए और बी रेज टू पावर स्मॉल बी। अब देखो ये तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है, बिल्कुल पजलिंग का पॉइंट तो बनता है, क्या फर्क है इसमें? ध्यान देंगे जरा। मैंने बोला जो रेट है ना, रेट लॉ है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ये हमें गिवन हो सकता है बिना रिएक्शन के। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इसमें हमें स्टोकियोमेट्री को फॉलो करना पड़ता है। स्टोकियोमेट्री मतलब रिएक्शन को खुद से बैलेंस करना पड़ता है। जब जब हम रिएक्शन को खुद से बैलेंस करेंगे सिर्फ तभी कॉफिशेंट आएंगे, और उन कॉफिशेंट का यूज़ करके हम स्पीड की बात कर सकते हैं।
कुछ समझ में आया? मैंने बोला जी रेड लॉ में तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हो सकती है बिना रिएक्शन के, तुम्हें रेड लॉ गिवन होंगे, वो कॉफिशन कहाँ से आया, क्यों आया, इससे कोई लेने देने नहीं तुम्हारा, जस्ट तुम्हें रेड लॉ सीधा एक्सप्रेस करके दिया होगा और इसके भी आपे हमें ऑर्डर जजमेंट करनी होगी, ये हमारे क्वेश्चन बनेंगे। लॉ ऑफ मास सेक्शन में स्टॉकियोमेट्री मेंटेन करनी कंपल्शन है। स्टॉकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? रिएक्शन में बैलेंसिंग, यानी जब जब हम रिएक्शन को खुद से बैलेंस करते हो, बैलेंसिंग करते हुए कुछ ना कुछ कॉफिशेंट आएंगे और उन कॉफिशेंट का यूज़ करके हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो वर्डिंग के बिहाफ पर अगर मैं बात करूँ, रेड लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? अल्फा और बीटा को बोलते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मतलब अल्फा एंड बीटा। और जबकि इसमें क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टॉकियोमेट्रिक स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स। स्टॉकियोमेट्री का मतलब होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, और कॉफिशेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉफिशेंट होता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो इनका कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट इसको बोलते हैं, जो इसके आगे का कंपोनेंट है, जो हम बैलेंस करने का नंबर पुट करते हैं, वो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशेंट हमने ए और बी को बोला, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने अल्फा और बीटा को बोला। मैंने बोला अल्फा बीटा तुम्हें रिएक्शन बिना रिएक्शन के गिवन हो सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में स्मॉल ए स्मॉल बी जो है ये रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही आएंगे। अब सबसे कमाल की बात क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ वर्डिंग ओरिएंटेड है सब कुछ। इसकी वर्डिंग थोड़ी और भी हम अलग सेंस में एक्सप्लेन कर सकते कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट या रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशियंट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशियंट। राइट, ज़्यादातर बच्चों को इसी में झंझट रहता है कि ए और बी क्यों लिखा, कहाँ से आई है, स्टॉकियोमेट्रिक क्यों कहा जाता है, रिएक्शन की बैलेंसिंग की वजह से। तो रेड लॉ को अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें सब क्लियर हैं। रेड लॉ काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसके कई केसेज हैं, हमें अलग अलग स्केल पर इसके न्यूमेरिकल या छोटे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। देखो जी, इसी में ही मैंने बोला जी केस नंबर वन, केस नंबर वन में क्या होगा, रेड लॉ तुम्हें ऑलरेडी दिया होगा, उसमें तुम्हें ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हाइल रेड लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, जिसमें रेड लॉ को एक्सप्रेस किया गया। मैंने बोला रेड लॉ तो बिना केमिकल रिएक्शन के गिवन हो सकता है, जैसे ए की पार टू, यहाँ बी की पार दे दी 1/2। 1/2 फ्रैक्शन में क्यों आया, कैसे आया, ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, रिएक्शन तो गिवन नहीं है, रेड लॉ सीधा एक्सप्रेस किया गया। अभी ऑर्डर वर्ड यूज हो गया, पहले तो इसी को क्लियर करेंगे हम। ऑर्डर क्या होता है, शॉर्टकट बोले तो अल्फा प्लस बीटा। ऑर्डर का मीनिंग है सम ऑफ दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड्स। समझ में आया, ऑर्डर का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन पावर्स को जस्ट ऐड कर दो तो ऑर्डर आ जाता है। सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने अल्फा बीटा को बोला, और स्टॉकियोमेट्रिक कॉफिशेंट मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी को बोला, बट उस पर मैंने बोला कोई न्यूमेरिकल नहीं है, डोंट वरी। अभी के लिए हम बात करें यहाँ ऑर्डर की, तो सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोले तो अल्फा और बीटा, ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड, जिन पर रेट डिपेंड करता है। डन, ये तो होगी ऑर्डर की डेफिनेशन। तो इसी के हिसाब से केस वन को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा प्लस हमें बीटा करना है, तो 2 + 1/2, तो 2 to the 4, 4 और 1, 5/2 करके हमारा ऑर्डर क्लियर होगा। दिस इज योर केस नंबर वन ओनली, रेड लॉ एक्सप्रेस करके दिया गया और हमें ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन करनी थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर टू की तरफ। रेड लॉ का ही वो पार्ट है, देखो जी अब हमें कहा जा रहा है इफ रिएक्शन इज ऑफ, ये प्रीवियस ईयर भी है ध्यान रखना, इफ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर
अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स डबल्ड. कुछ ऐसे कंसेप्चुअल फॉर्म में इसको बनाया जाता है. रिएक्शन किसकी बोली है? सेकंड ऑर्डर की. एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन? तो रेट ऑफ द रिएक्शन, नए वाला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स डबल्ड. सबसे पहले हम रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे. रेट को मैंने ओल्ड आर बोला विच इज इक्वल टू के, और एक ही बार क्या बोला जी? टू, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है. रेट इज इक्वल टू के एक ही बार टू. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. फिर क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी न्यू रेट बताना है, आर डैश बताना है. जबकि क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स डबल्ड. जैसे ही हमने ए को क्या बना दिया? ए डैश बना दिया. बाकी सब पूरी तरह सेम है. डन. हमसे आर डैश पूछा गया, जबकि क्या बोला जा रहा है? ए डैश को क्या बना दिया? डबल ऑफ ए. तो पुट करते हैं आर डैश के. ए डैश को मैंने लिखा डबल ऑफ ए, ऑर्डर सेकेंड है. डन. हमसे इन्हीं का रेशियो पूछा जा सकता है, रिलेशन पूछा जा सकता है कि आर और आर डैश, बोले तो न्यू रेट और ओल्ड रेट का क्या रिलेशन है. अभी के लिए क्या बोलेगा? व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, न्यू रेट बताना है कि पुराने से कैसे रिलेटेड है. हमने आर डैश की सिर्फ वैल्यू पुट किया डबल ऑफ ए, तो इससे के एज यूजल ए की पार टू, टू की पार टू क्या हो गया? फोर. डन है. तो आर डैश क्या बन गया? इस पूरे को अगर हम पैक करके लिखे तो आर डैश क्या आया? दैट बिकम्स फोर टाइम्स द ओल्ड रेट. तो न्यू रेट बिकम्स फोर टाइम्स द ओल्ड रेट. नया रेट पहले वाले रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या हो गया? फोर टाइम्स हो गया. इसको हम क्वाड रपल्स भी कह सकते हैं. क्वाड यानी फोर टाइम्स, क्वाड रपल्स या फोर टाइम्स बना. डन है. अच्छा, ये तो होगी वर्डिंग की बात. हर बेरे ऐसे वर्डिंग दी थोड़ी कि सेकेंड ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर है या nth ऑर्डर है, ऐसा नहीं दिया होगा. कभी कभी हमें रेट लॉ सीधा सीधा एक्सप्रेस करके दिया जाएगा. दैट वुड बी योर केस नंबर थ्री. देखो जी, केस नंबर थ्री में हमें कहा जा रहा है इफ रेट लॉ इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर टू, वाई की पावर वन और जेड की पावर थ्री. ऐसे में रेट लॉ ऑलरेडी एक्सप्रेस करके दिया गया. और क्या पूछे हैं? व्हाट विल बी द न्यू रेट? तो नया रेट हमें बताना है व्हाइल the concentration of x is half and concentration of z is tripled. तो देख रहे हो इसमें कुछ changes हुए. old rate r के x की बार 2, y की बार 1, z की बार 3 दिया गया. r को r dash बनाना है. what will be the new rate पूछा गया है. new rate बोले तो r dash. फिर क्या बोल रहे हैं? while the concentration of x is half, x को जैसे ही हमने half कर दिया तो यहाँ हमने put के दिया x by 2 power 2. y तो एज यूजुअल है, कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन z को क्या बोला गया? z ट्रिपल बोल दिया, ट्रिपल ऑफ z पावर 3, राइट. तो हमने k को एज यूजुअल लिखा, x की पावर हो गई 2, y की पावर हो गई सीधे सीधे 1, z की पावर 3, लेकिन नंबर्स को अलग करूंगा. 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4. और 3 की पावर 3 क्या हो गया? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27. तो 27 बाय 4 टाइम्स आ गया. ये आ गया जी न्यू रेट बिकम्स 27 बाय 4 टाइम्स द ओल्ड रेट. या फिर हम रेशियो की बात करें तो आर डैश अपॉन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27:4. तो रेशियो की फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी है. समटाइम्स बच्चे जल्दबाजी में 3 की पावर 3 को 9 कर देते हैं. ऐसा बच्चों को लगता है कि हाँ यार 3 इंटू 3 9 ही तो होता है. वो भूल जाता है कि क्यूब करना है भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है. 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 अपॉन में 4 टाइम्स करके न्यू रेट ओल्ड रेट से रिलेटेड हो गया. या रेशियो पूछा जाए या रिलेशन पूछा जाए तो हम ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. समझ में आया? तो ये थे रेट लॉ के बढ़िया क्वेश्चन. अभी के लिए केस नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो हमें एक टेबल गिवन होगी. उस टेबल में हमें चेक करना होगा कि हमारा ऑर्डर क्या होगा. हमें कहा जाएगा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी अल्फा और बीटा की जजमेंट करनी है. बात वो भी रेट लॉ से रिलेटेड हो सकती है. बट उससे पहले एक और छोटा सा केस मैं तुम्हें बता दूं जिसमें हमें ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन करनी है. देख लो रेट लॉ के कितने सारे केसेस हैं. अब किसी भी कॉन्सेप्ट के मल्टीपल केसेस आएंगे तो डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट तो हो गई. ठीक है, तो इस पर मैंने बताया ऑलरेडी प्रीवियस से रह चुका और फर्दर भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं. हमें कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हाइल न्यू रेट बिकम्स
64 टाइम्स द ओल्ड रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल्ड. ये में क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्या बोल रहे हैं, रेट बिकम 64 टाइम, नया वाला रेट पुराने वाले रेट का 64 हो रहा है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो रही है, डबल. यानी आर डैश को मैंने क्या बोला, 64 टाइम्स द आर, जैसी ए डैश क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ए. समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स डबल, यानी ए डैश क्या हो गया, डबल ऑफ ए. हमें आर डैश दिया 64 टाइम, तो ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब स्मॉल एन हमें बताना है. तो हम सबसे पहले यूजिंग रेट लॉ लिखेंगे जी, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन. अभी के लिए हमें नहीं मालूम ना ऑर्डर क्या है, तो हम सीधा लिख देंगे आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन, nth ऑर्डर. ये एन हमें जज करना है, एन हमने ऑर्डर के लिए शो कर दिया, विच इज अल्फा प्लस बीटा. तो आर को आर डैश बना दो, जैसे हमने ए को क्या बोल दिया, ए डैश, राइट. ये है फर्स्ट वाला रिलेशन. अब आर डैश को मैंने क्या लिखा, 64 टाइम्स दी आर. ए डैश को मैंने क्या लिखा, डबल ऑफ ए पावर एन. ये दूसरा पार्ट हो गया. दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, आर अपॉन में 64 टाइम्स दी आर के ए की पावर एन के 2 की पावर एन और फिर ए की पावर एन. हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, ओल्ड इक्वेशन न्यू इक्वेशन दोनों का डिवीजन कराया, तो हमने देखा के से के कैंसिल, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल. तो आगे जी 2 की पावर एन इक्वल टू 64. अब 64 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स हम इसको करेंगे, 32 इंटू 2 करके 64 टाइम. मतलब 2 की पावर कितने टाइम्स की हमने, 6 टाइम्स. तो ऐसा करने से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6. यानी दिस इज कॉल्ड वॉट, 6th ऑर्डर. तो 6th ऑर्डर हमारा इसका आंसर आ चुका है. जबकि चेंजेस हमें कैसे भी दिए हो सकते हैं, जरूर नहीं हमेशा डबल हो, कभी ट्रिपल, कभी 7 टाइम्स, कभी 5 टाइम्स, वॉट एवर. उसी के कॉरस्पॉन्डिंग न्यू रेट दिया जाएगा, कि कभी 343 टाइम्स है, 49 टाइम्स है, वॉट एवर, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. तो ये भी एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन हो रहा है, राइट. टेबल ओरिएंटेड भी रेट लॉ बनेगा, वो मैं अभी कराऊंगा. उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई है. रेट लॉ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है. देखो इस पार्ट वन में अगर तुम रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास सेक्शन तक की चीज़ें निपटा लेते हो, तो भी बहुत बड़ी बात है. पार्ट टू में हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम ना यूनिट की बात करेंगे, ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग, और उसी के साथ साथ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके न्यूमेरिकल फिर ग्राफ. थोड़ा सा पार्ट टू जो है लेंथी हो सकता है, राइट. अभी के लिए भी पता है कि ओवरबर्डन ना हो, इसलिए पार्ट वन में तुम इतना भी निपटा लोगे तो भी थोड़ा हौसला हो जाएगा कि यार चलो कम से कम ये टॉपिक तो अपने पक्के हो गए. अब इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है ना, यानी कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी नहीं फॉलो करनी ना तुम लोग को. जितना तुमने पढ़ लिया उतने को सेफ सिक्योर तो करो. अब जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, उनके क्वेश्चन निपटाने हैं, रेट लॉस रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं हमें. बात समझ में आ रही है. चलिए केस फिफ्थ का मैं क्वेश्चन अराइज करा था कि हो सकता है हमें यूं टेबुलर फॉर्म में दिया जाए, कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, बी की कॉन्सेंट्रेशन, साथ के साथ रेट की बना है 0.1 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कहीं दिया 0.1, कहीं दिया बाई चांस 0.4, फिर कहीं लिखा है 0.1, 0.2 एंड 0.2. डन. कहीं मैं वैल्यूज अराइज कर रहा हूँ, 4 इंटू 10 की पावर 2 कहीं लिखा है, 8 इंटू 10 की पावर 2 कहीं लिखा है, 16 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा कुछ दिया गया. और हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. हमें ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, मतलब अल्फा और बीटा की हमें जजमेंट करनी है. डन. क्या करेंगे, ऐसी टेबुलर फॉर्म दी गई है, ऑर्डर के बारे में बताना है, और यूनिट्स की बात भी. इसी क्वेश्चन का अनदर पार्ट ना यूनिट्स भी होती है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट रिएक्शंस और उनके जो है हर एक ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट की सेपरेट यूनिट्स आएंगी, वो बात की बात है. फिलहाल इसको हम क्लियर कर लें, क्योंकि अभी का हमारा फोकस है सीधे सीधे रेट लॉ को एक्सप्रेस करने पर. इसमें यह भी लिखा हो सकता है एक्सप्रेस दी रेट लॉ, यानी तुम्हें लिखना क्या है, रेट इज इक्वल टू के ए की पार अल्फा और बी की पार बीटा. बस तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू का पता लगाना है, तो तुम्हारा रेट लॉ का फिफ्थ केस भी जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो करना क्या है, यहाँ वैल्यू जो सेम है फर्स्ट और सेकंड में सेम है, यहाँ सेकंड और थर्ड में सेम है, तो हम क्या करेंगे, रेट फर्स्ट अपॉन रेट सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, डिवाइड कर दो के ए की वैल्यू डाल देता हूँ 0.1 पावर अल्फा
फिर 0.1 पावर बीटा, इसी तरह के 0.1 पावर अल्फा, 0.2 पावर बीटा। हमने फर्स्ट के केस में वैल्यू डालनी है, सेकंड के केस में वैल्यू डालनी है। ऐसा क्यों किया, फर्स्ट और सेकंड को ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ तो 0.4 था, ऊपर 0.1 था, ये वैल्यू सेम होने की वजह से कैंसिल, ये कैंसिल। रेट फॉर द फर्स्ट दैट इज 4 × 10^2, और सेकंड वाले केस में वैल्यू देखें तो 8 × 10^2। तो हमने देखा यहाँ से क्या आ रहा है, 1/2 ओवरऑल पावर बीटा। तो 10^2 कैंसिल, ये 4 है, ये 8 है, तो क्या आ गया 1/2। तो हमने इधर से ही जज कर लिया 1/2 की पावर होगी 1, या 1/2 की पावर कितनी होगी बीटा। तो ओवरऑल ऐसा करने से हमारा बीटा तो जज हो चुका है जी, बीटा आ गया 1। हाँ जी, उम्मीद है समझ में आया। हमने रेट की वैल्यू भी डाली, रेट फॉर द फर्स्ट, रेट फॉर द सेकंड, के कैंसिल हो रहा है, फिर 0.1 वाले अल्फा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, फिर बीटा बचेगा। तो इसके हिसाब से हमने कंपेयर किया, तो रिजल्ट हमारा शेयर करते हैं, यहाँ से बीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब आगे, अब हमें इसी में अल्फा की जजमेंट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे किसकी, जो वैल्यू यहाँ मैच कर रही है, ताकि ये कैंसिल हो पाए। तो रेट कौन से वाला, सेकंड वाला, और रेट हमने कौन सा देखा, थर्ड। तो यहाँ भी हो गया के 0.1 की पावर अल्फा, 0.2 की पावर बीटा, फिर 0.4 की पावर अल्फा, और फिर 0.2 की पावर कितनी है, बीटा। तो हमने देखा के से के कैंसिल, ये वैल्यूज कैंसिल, यहाँ से 1/4 की पावर कितनी होगी अल्फा, और इधर से हमने पुट कर दिया 8/16 × 10^2 × 10^2 कितनी होगी 2, डन है। तो हमने देखा 10^2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आ रहा है 1/2। तो ओवरऑल हमें तो कंपैरिजन करना था, अब यहाँ पे इसको 4 कैसे बनाएं? देखो इसी में हम कुछ चेंजेस कर देंगे, यानी इसको हम रूट बना सकते हैं। देखो हमें इसका ना 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, 1/4 और 1/4 की पावर अल्फ़ा, राइट। हम इसकी वैल्यूज़ को यूँ कंपेयर कर लेंगे, डन। ये देखो यहाँ पर हालांकि 2 आ रहा है, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितने में कैंसिल होगी, 4 से कैंसिल होगी। यानी अगर यहाँ 16 को मैं 32 कर दूँ, फिर देखो डिवीजन करते ही सीधा ही आ जाएगा यहाँ से 32, राइट। तो यहाँ से आ गया जी 4, 1/4 की पावर कितनी होगी 1। तो कंपेयर करती अल्फा भी बना देगा, मतलब तुम्हें वैल्यूज ही ऐसी दी जाएंगी जो कन्फर्म्ड है कि कैंसिल होंगी ही होंगी और कंपेयरेबल होंगी। जैसे यहाँ 1/4 आ रहा है, तो 1/4 की ही पावर कुछ ना कुछ बनेगी, वो 1 बने, 2 बने, 3 बने, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे पहले 1/2 आया, तो 1/2 ही बनेगा राइट और लेफ्ट पर, ताकि कंपेयर हो सके। हाँ, अगर 1/4 है तो 1/2 की पावर 2 कर सकते हैं, बात समझ रहे हो? अगर यहाँ 1/2 होता तो यहाँ 1/4 को हम क्या लिखते, 1/2 पावर 2 कर देते, ताकि 1/2 बेस कंपेयर करके हम पावर्स को जज कर लेते। तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा 1 समझ में आया, तो हमने बस यूं पुट कर देना कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर कितनी होगी 1। तो हमने अल्फा और बीटा को चेक कर लिया, अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1+1 दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 2। तो बस ऐसा करने से हमारा ये सेकंड ऑर्डर आंसर आ गया जी, ठीक है। समझ में आ गया कि वैल्यूज जो है वो कंपेरेबल होंगे, तुमने ध्यान इस बात पे देना है, जहाँ वैल्यू सेम है उन्हीं को डिवीजन कराओगे, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को थर्ड से, उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेट की वैल्यू डाल दो, जितना कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो, और डेफिनेटली ये कंपेरेबल होगा ही होगा। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल कंपेरिजन नहीं हो पा रहा, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम लिख देंगे एनीथिंग रेज टू पावर 0 = 1। जैसे 1/4, मान लो यहाँ 1 ही आ रहा होता, अगर 1 ही आ रहा होता तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते 1/4 की पावर 0। ऐसा भी एक केस तुम्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दिखता है बच्चों को, उसमें डाउट रहता है, यहाँ 1/4 की पावर अल्फा और यहाँ सिर्फ वैल्यू 1 ही आ रही है, पूरा कैंसिल हो गया 32/32 या 8/8 कैंसिल करके 1 ही आ गया, तो 1 कब आएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 = 1। तो हम खुद 1/4 को बेस में लिखकर ऊपर 0 लिख देंगे, तो ऐसा करने से हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, 0। ये बहुत ही अच्छा केस है, इसका खास ध्यान रखने वाली बात है। कई सारे क्वेश्चन तुम देखोगे उनमें ये वाले केसेस भी दिखेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें फोर्थ वाला रेट कैलकुलेट करना पड़े, हमें ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज दे रखे होंगे। तो अब अल्फा बीटा तुम्हें समझ में आ गया, अगर ए भी कुछ दे भी रखा तो उसके हिसाब से हम रेट निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो ना, ए है, बी है, रेट है, रेट कॉन्स्टेंट निकाल दो। क्वेश्चन के मल्टी पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिनिमम 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में दिख सकते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद करें कि रेट लॉ तक की चीज़ें समझ में आ गई, रेट लॉ के डिफरेंट केसेस बताए गए हैं। कहीं तुमने देखा रेट ओरिएंटेड, हाउ द रेट अफेक्टेड, उसमें देखा व्हाट विल बी द न्यू रेट, इस तरह की लैंग्वेज बनी। समटाइम्स बोल दिया जी ऑर्डर आइडेंटिफिकेशन करो, कभी बोल दिया अल्फा बीटा की पावर की जजमेंट कर दो, कभी बोला रेट लॉ को एक्सप्रेस करो, कभी बोला रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालो। रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अगर कैलकुलेट करना पड़े तो कोई भी एक रेट, किसी भी एक रेट को पुट कर दो, ए और बी को पुट कर दो, पावर सेम है अल्फा बीटा, डन है। और जरूरी नहीं हमेशा सेम आए, कभी कभी अलग भी हो सकता है, अल्फा और बीटा में से कोई एक जीरो भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ही 1 आ जाए, तो 1 को क्या करोगे, 1/4 की बार 0 करके कंपेयर करके सॉल्व हो जाएगा, डन है जी।
तो ये था केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर्स की बात की, फिर रेट लॉ की बात की, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की, हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स उठा लिए और रेट लॉ के डिफरेंट केसेस उठा लिए। तो रेट लॉ ओवरऑल आज के इस लेक्चर में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, इस तरह के पोर्शन को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। पार्ट टू में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इससे नेक्स्ट, जिसमें ऑर्डर, मॉलिकुलैरिटी, यूनिट कैलकुलेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके न्यूमेरिकल एंड ग्राफ। डन, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक्स अ लॉट।